हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टर की अटिवालिया चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बोगनविलिया का प्लांट है। इस पे ये फ्लावर खिलने वाले हैं। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पर बोगनविलिया का ये दो प्लांट हैं एक साथ, जो मैंने लगा दिए थे। दो डंडियाँ हैं फ्रेंड्स, एक ही प्लांट है। तो इस पे अब फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए बहुत सारी जगह पे, और यहाँ पीछे की तरफ भी ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। छोटा सा था, और साइड में ही दूसरे गमले में मेरा नीम का प्लांट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ है दिल्ली और NCR में। तो ये देखिए काफ़ी मौसम में नमी है, ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक है। और ये देखिए मेरा पोई साग है, काफ़ी वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके सीड बनने तैयार हो गए हैं। अभी ये ग्रीन कलर के हैं, फिर ये थोड़े पिंकी कलर के हो जाएंगे, और फिर ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे की तरफ मेरा हिबिकस प्लांट है। हिबिकस प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं, सब कटिंग से ही मैंने ग्रो किए हैं, और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी स्टार्ट है, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जामुन का पेड़ आपके सामने ही रिपोर्ट किया था, ये भी अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए, और ये मेरे फाइकस तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे की तरफ छुपा के रखा है मैंने। यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा मटर का प्लांट है। मैंने फ्रेश मटर ग्रो किए थे, ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और कुछ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वही प्लांट है, ये देखिए पहचानिए। जी हाँ, ये बैंगन है, बैंगन का प्लांट है ये मेरा। इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, फ्रूटिंग इस पर स्टार्ट हो चुकी है। लगभग ये तीसरी बार फ्रूटिंग कर रहा है। और यहाँ साइड में ही गमले में हमारी माई फेवरेट बोगनविलिया का प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पर। वहाँ ऊपर की तरफ भी देखिए, और वहाँ गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, वो देखिए फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा प्लांट है, कम पानी की ज़रूरत है, खाद की भी ज़रा ज़रूरत नहीं है इसे, और ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मैंने आपके सामने ही रिपोर्ट किया था, प्राचिता का प्लांट है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मैं इसकी सीड का वेट कर रही हूँ, कभी ये फली पक जाए और इसमें से सीड निकालूँ मैं। और यहाँ पीछे की तरफ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ही अपने घर की ग्रीन जो हमारी प्याज होती है वो ग्रो की थी। इसको ग्रो हुए मुझे लगभग 1 हफ्ता हो गया है, तो आपके सामने ही ग्रो की थी। तो ये देखिए इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और ये साइड में मूली वगैरह है, वहाँ उस तरफ गमले में भी मूली ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, गार्डन में काफ़ी सारा पानी ही पानी है, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने ही रिपोर्ट किया था सिंगोनियम, इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे काम अपने गार्डन में ज़रूर करते रहा कीजिए। और ये देखिए, ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। और यहाँ साइड में ये जो पिंक कलर आ रहा है इसका डबल बैकबोन पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी कटिंग से मैंने 5-6 प्लांट अपना रेडी किए हैं। इस तरफ से देखिए फैंस, अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने लीव्स वगैरह गिरा देते हैं। उसमें ये देखिए चंपा भी है, इसकी हल्की सी ग्रोथ मुझे लग रही है स्टार्ट है, बट कुछ गिर भी रही हैं। और ये देखिए फैंस, ये हमारी ग्लोई की वेल है, काफ़ी जगह मैंने लगाई हुई है, बट अभी इसका सीज़न नहीं है, इसलिए इसकी लीव्स वगैरह सारी झड़ गई हैं। कुछ जगह इसकी लीव्स डेवलप भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा है, काफ़ी जगह चल भी रहा है। तो यहाँ से देखिए प्लांट कुछ अच्छी कंडीशन में है भी और नहीं भी है। मोस्ट रोज तो मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, दिखाती हूँ मैं टावर जो मैंने बनाया था। यहाँ पीछे की तरफ देखिए फैन से, मैंने टावर जो बनाया था इसमें मनी प्लांट जो है वो हमारा अच्छा चल रहा है, बट मोस्ट रोज की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए सारे डिफिन बेचिया केली सब अच्छे चल रहे हैं। और ये मेरा अनार का प्लांट है, ये भी अच्छा चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में भी काफ़ी बार पूछ चुकी हूँ कि कोई मुझे इस प्लांट का नाम बताइए, मेरे पास 2-2.5 साल से है, बट मुझे इसका नाम नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसे रिपोर्ट किया है, और इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और ये साइड में हमारा पीपल है, बाकी सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये भी अच्छा चल रहा है, फाइकस की वैरायटी है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हिबिकस है, और यहाँ साइड में ये हमारा गुलमेहंदी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर सीड पॉट बन रहे हैं, अभी हमने चेक किया है, तो इसको टच करते ही मतलब ये टूट जा रहा है। कुछ सीड मैंने कलेक्ट कर ली है। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, एक और मेरी बोगनविलिया है, और यहाँ साइड में नीचे की तरफ छुपा के रखा है मैंने मौसमी का प्लांट है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये मौसमी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें हमने अपना माला तोड़ के जो हमने ग्रो की थी मारी गोल्ड की, इसमें प्लांट निकल चुके हैं और कुछ गिलहरी वगैरह ख़राब कर रही है। आपको दिख रहा होगा ये प्लांट है, तो इसको मैंने काफ़ी छुपा कर रखा है। एक वीडियो में मैंने दो एक साथ दो चीज़ें ग्रो की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसमें तो ग्रो हो गए हैं बट जो बड़ी बोतल थी उसमें ग्रो नहीं हुए हैं। और ये मेरे मटर के प्लांट हैं, इनको भी मैंने शिफ्ट किया है, छुपा कर रखा है। वहाँ साइड में देखिए फ्रेंड्स, मेरे कनेर के प्लांट है और मेरा गुलमोहर है, और नीचे की तरफ है हमारा हिबिकस और काफ़ी सारे प्लांट है उस तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक प्लांट जो है हमारा वो पड़ोसियों का है, वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रहा है। ये देखिए बड़े वाला, और मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं मेरे घर पर और वो अपना काम किए जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड घूम रहे हैं टेरेस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अनार का प्लांट है, और ये देखिए ये हमारी ट्रम्पेट वाइन की बेल है, अभी तक इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है, ये देखिए अभी तक चल रही है। और ये जो प्लांट है ये हमारा पड़ोसियों का है, रतन ज्योत इसका नाम मुझे पता है, आप बताइएगा और इसका क्या नाम है। और ये है ड्राफ्ट वैरायटी, इस पर भी गुच्छों में फ्लावर आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज का छोटा सा अपडेट था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताना, और ये छोटा सा अपडेट था बारिशों के बाद का है, रेनफॉल हुई है, उसके बाद मैंने सोचा एक अपडेट वीडियो बना देते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।